हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी प्रिय विद्यार्थियों? इस लॉकडाउन के समय में, समर वैकेशन के समय में आप अच्छे तरीके से ऑनलाइन क्लासेज का लाभ ले रहे हो। मैं आशा करता हूं आपका स्टडी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हम भी धीरे धीरे अपने कोर्स को आगे ले जा रहे हैं और आपका लगभग 50% कोर्सियाँ पूरा होने को है। शॉर्ट कंपोजिशन का सेकंड लास्ट टॉपिक चल रहा है और मैं कोशिश करूँगा आज के पार्टों में आपका ये टॉपिक भी समाप्त हो जाए और नेक्स्ट जो क्लास आपकी होगी उस क्लास में हम अगला टॉपिक शॉर्ट कंपोजिशन का लेंगे, आर्ग्यूमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 12th एंड सब्जेक्ट इंग्लिश। मैं यहां अंग्रेजी विषय की बात कर रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है आपका इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपका एक क्वेश्चन लिखाया था, शादी के शुभ अवसर पर निमंत्रण आप लिखिए। दूसरा क्वेश्चन आपको लिखाया था, टीचर्स डे या एनुअल डे, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आपको लिखा दिया बर्थडे पार्टी का और एक क्वेश्चन आपको लिखा दिया गृह प्रवेश वाला। यानी कि ये 3-4-5 क्वेश्चन जो लिखाए गए हैं फॉर्मल इनविटेशन में, इसमें आपका कंप्लीट जो इनविटेशन है फॉर्मल का वो पूरा कवर कर लिया गया है। इसलिए आज मैं यह बात करने जा रहा हूं इनफॉर्मल इनविटेशन के बारे में। इनफॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन अनौपचारिक निमंत्रण। फॉर्मल इनविटेशन, औपचारिक निमंत्रण। प्रिय विद्यार्थियों, ये इनविटेशन एक प्रकार के लेटर की तरह ही होते हैं। हम यहां कौन सी चीज के बारे में बात करेंगे, हम यहां कौन से पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, इनफॉर्मल इनविटेशन एक प्रकार के लेटर ही होते हैं, पत्र होते हैं। और इन पत्रों में हम बात करने जा रहे हैं आपको निमंत्रण वाले पत्रों की। आपने क्लास 10th में, क्योंकि क्लास 12th में आपके सिलेबस में इनफॉर्मल लेटर्स नहीं हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा दो प्रकार के पत्र, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। तो ये इनविटेशन इनफॉर्मल लेटर्स की तरह ही हैं, जिनमें आपको इनफॉर्मल इनविटेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम यहां बाईं तरफ लिखना होगा इनविटेशन भेजने वाले का एड्रेस यानी कि पता। इसके नीचे आपको लिखना होगा डेट, तारीख। इसके नीचे डियर, माय डियर, ये लिख करके अपने किसी रिलेटिव का नाम या रिलेशन आपको लिखना है। और फिर आपको इनविटेशन लिखते हुए ये बताना है कि माय डियर फ्रेंड, वी आर ऑर्गेनाइजिंग हेयर आवर सन्स मैरिज सेरेमनी
आवर सन्स बर्थडे पार्टी, ये आपको वहां लिखना है। सो ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन यू आर इन्वाइटेड विद योर होल फैमिली। आपको इस प्रकार के इनविटेशन में भी टाइम अवश्य लिखना है। इस प्रकार के इनविटेशन में भी आपको टाइम के अलावा वेन्यू स्थान भी लिखना है, लेकिन लिखना है पत्र की तरह, ड्राफ्ट नहीं बनाना है कि सीधा हम ड्राफ्ट बना दें इस तरीके से, नहीं। इसलिए आप यहां लिखना प्रारंभ कीजिए। इनफॉर्मल इनविटेशन लिखते समय ये नंबर 2 डाल लीजिए इस पर, इनफॉर्मल इनविटेशन लिखते समय निम्न पॉइंट्स को याद रखना चाहिए। निम्न पॉइंट्स को याद रखना चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? तो नीचे आपको डैश लगाना है, फिर लिखना है सर्वप्रथम, सबसे पहले, इनविटेशन के लेफ्ट साइड में यानी कि बाई तरफ में इनविटेशन लिखने या भेजने वाले का पता लिखते हैं। ये हो गया, यानी कि लेफ्ट साइड जो है, बाई तरफ आपको क्या लिखना है, इनविटेशन जो व्यक्ति भेज रहा है, फंक्शन का जो व्यक्ति आयोजन कर रहा है, उसका आपको क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। ओके डियर्स, दूसरा डैश लगाइए, एड्रेस के नीचे एक पंक्ति छोड़कर डेट लिखते हैं। जिस प्रकार आपने लेटर लिखे हैं उसी प्रकार से यहां तक तो आपको लिखना है, बट इन क्लास 12th ओनली योर सिलेबस हैज ओनली फॉर्मल लेटर्स, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इनफॉर्मल इनविटेशन, दीज इनविटेशंस आर लाइक इनफॉर्मल लेटर्स। नीचे लिखना है डेट के नीचे
एक या दो पंक्ति छोड़कर एक या दो पंक्ति छोड़कर दिया या माय डियर रिलेशन या रिलेटिव का नाम लिखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका कुछ पॉइंट्स मैंने आपको लिखे हैं। जो भी आप डेट लिखते हो, तारीख लिखते हो, उसके नीचे आप रिलेटिव का नाम लिखोगे। जिस किसी सगे संबंधी को आप लिख रहे हो, उस सगे संबंधी का नाम आप लिखोगे। यदि सगे संबंधी का नाम नहीं लिखते हो, तो फिर आप उस रिलेशन का नाम लिखोगे जो संबंध आपका उससे है। ब्रदर भाई है, फ्रेंड है, आपका फ्रेंड नहीं है तो मान के चलिए अंकल है। जिस किसी भी व्यक्ति को आप ये लिख रहे हो, ये निमंत्रण दे रहे हो जिस किसी व्यक्ति को, वो आपको यहाँ लिखना है। ओके डियर्स, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पंक्ति में लिखना है नीचे पैराग्राफ बनाकर रिलेटिव को फंक्शन उसका टाइम व स्थान बताते हुए निमंत्रण लिखते हैं। यानी आप नीचे डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड ऐसा लिख करके, यू हैव टू टेक इनसाइड योर माइंड, यू विल नॉट अप्लाई एनी कॉमाज हेयर व्हाइल राइटिंग सेंडर्स एड्रेस, व्हाइल राइटिंग डेट, व्हाइल राइटिंग डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, जो भी आप लिखोगे। ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको लिखना है लेकिन कॉमा बिल्कुल नहीं लगाना है। यहां से आगे बात करते हैं। ये है नीचे पैराग्राफ बनाकर रिलेटिव का, रिलेटिव को फंक्शन उसका टाइम उसका स्थान बताते हुए निमंत्रण लिखते हैं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां से आगे चलते हैं। मैं यहां मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा, एक पंक्ति और लिख करके। निमंत्रण समाप्त होने पर yours sincerely, sincerely नहीं तो truly,
लिखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार के इनविटेशन में और इस प्रकार के लेटर्स में हम यहाँ ओबीडिएंटली या फेथफुल्ली का जिक्र बिल्कुल नहीं करते हैं। वी विल राइट ओनली यूअर्स सिंसियरली और ट्रूली। मैं आपको इसका प्रोफॉर्मा बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको ये इनफॉर्मल इनविटेशन लिखना है। मैं आशा करता हूं कि आप धीरे धीरे ये समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अपनी समस्या का समाधान यहां कर सकता है। ओके डियर्स, यहां आप लिखिए प्रोफॉर्मा PROFORMA प्रोफॉर्मा ऑफ एन इनफॉर्मल इनविटेशन। पिछली क्लास में हमने फॉर्मल इनविटेशन पढ़ा था और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा इनविटेशन है? इनफॉर्मल इनविटेशन। ये इनविटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, ये इनविटेशन पत्र के समान ही होते हैं। इन इनविटेशन को हम एक प्रकार का पत्र ही मानते हैं। एक प्रकार का क्या मानते हैं? पत्र ही मानते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। जिस प्रकार पत्र भेजने वाले का पता लिखते हैं, उसी प्रकार से यहां आपको इनविटेशन भेजने वाले का पता, इनविटेशन भेजने वाले का एड्रेस यहां लिखा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इनविटेशन हम जिसको भेज रहे हैं उसका पता नहीं लिखना है। आप इनविटेशन भेज रहे हो तो आपका पता, आपका एड्रेस यहां लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। इसके नीचे एक पंक्ति आपको छोड़नी है। एक पंक्ति छोड़ने के बाद फिर लिखना है डेट, तारीख। इसके नीचे आपको लगभग एक या दो पंक्ति छोड़नी है और फिर लिखना है माय डियर या डियर रिलेशन या रिलेटिव। मैंने बताया रिलेशन का मतलब संबंध। आपका उस व्यक्ति से क्या संबंध है? आपका उस व्यक्ति से क्या संबंध है? आपका वो मित्र है, आपका वो ब्रदर है, भाई है, सिस्टर है, फादर है, जो भी है। और यदि आप रिलेशन नहीं लिखना चाहते तो फिर रिलेटिव का नाम लिख दो केवल, जैसे माय डियर राजीव या डियर राजीव, ऐसे आप लिख सकते हो। ध्यान रखना, माय डियर और डियर में कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा फर्क यह है कि माय डियर लिखने से उस व्यक्ति के प्रति आपके संबंधों की प्रगाढ़ता का पता चलता है। डियर लिखने से संबंध वो प्रिय तो है ही, लेकिन डियर और माय डियर में इतना फर्क है। माय डियर यदि आप लिख रहे हो तो संबंध
ऐसा लगता है जैसे कि संबंध बहुत ही गहरा है। मैं आपसे कहता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, और एक आपसे मैं कहता हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो इन दोनों ही सेंटेंसेज में थोड़ा सा फर्क है। वैसे तो कोई फर्क नहीं, दोनों ही वाक्यों में आप मेरे प्रिय विद्यार्थी हो, प्रिय हो आप दोनों ही वाक्यों में, लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों में लग रहा है कि संबंध में थोड़ी सी गहराई अधिक है। प्रिय विद्यार्थी और मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये थोड़ा सा फर्क है। ये लिखने के बाद फिर एक पंक्ति आपको छोड़नी है और लिखना है वी आर ऑर्गेनाइजिंग आवर प्लस फंक्शन का नाम प्लस वेन्यू स्थान प्लस टाइम सो यू आर इन्वाइटेड विद यूअर होल फैमिली ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे एक पंक्ति छोड़ करके लिखना है यूअर्स सिंसियरली। सिंसियरली नहीं तो यूअर्स ट्रूली, और यहां अपना नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? जो व्यक्ति इस फंक्शन का आयोजन कर रहा है, जो व्यक्ति ये निमंत्रण पत्र भेज रहा है, उसका नाम लिखना है। चलिए बात करते हैं। डियर या माय डियर रिलेशन, सेंडर्स एड्रेस, डेट, दो पंक्ति छोड़नी है। माय डियर या डियर, मैंने आपको बता दिया डियर में और माय डियर में कोई फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यही है, माय डियर लिखने से संबंध में लगाव अधिक बढ़ जाता है। दूसरी बात, यदि आपको ध्यान रखना है, हम बात करते हैं संबंध बढ़ाने की और संबंध की गहराई की, तो ये इनफॉर्मल इनविटेशन होते हैं, ये गहरे संबंध वाले व्यक्ति को ही लिखे जाते हैं। फॉर्मल इनविटेशन तो किसी को भी भेज देते हैं, फॉर्मल इनविटेशन में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो किसी को भी भेजे जा सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल इनविटेशन होते हैं वो केवल और केवल अपने गहरे सगे संबंधी को ही भेजे जाते हैं। ये आपका यहाँ क्लियर हो गया, वी आर ऑर्गेनाइजिंग आवर, फिर फंक्शन का नाम, जैसे वी आर ऑर्गेनाइजिंग आवर सन्स मैरिज, और फिर आपको लिखना है वेन्यू स्थान का नाम, एट आवर रेजिडेंस या जो भी निवास स्थान है उसका नाम लिखना है, प्लस टाइम लिखना है इतने तारीख को इतने बजे, सो इसलिए यू आर इन्वाइटेड, ऐसे नहीं लिखते हो, सो यू विद यूअर होल फैमिली आर इन्वाइटेड ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, इसलिए आप अपने पूरे परिवार सहित इस शुभ अवसर पर आपको यहाँ आमंत्रित किया जाता है, आपको यहाँ निमंत्रण दिया जाता है। नीचे लिखोगे यूअर्स सिंसियरली, आपका सिंसियरली, आपका निष्ठावान, ये आपका यहाँ क्लियर हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ इस क्लास का, इस वीडियो का ये पार्ट आपका समाप्त होता है। यहाँ से आगे आपको इनफॉर्मल इनविटेशन लिखाए जाएंगे, इसी क्लास के नेक्स्ट पार्ट में
इसी क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहिए, अपने अध्ययन के प्रति सचेत रहिए, जागरूक रहिए। इसी के साथ मैं ये पाठ समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।